सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो हेलो सिमरन, कैसी हो तू? अंजलि, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अंजलि, प्रशांत जिंदा है। क्या? हाँ, और वो हमारे ही फ्लैट में छुपा हुआ है। हमारे फ्लैट में छुपा हुआ है? ये तो क्या कह रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख अंजलि, मैं तुझे इस वक्त फोन पर कुछ नहीं समझा सकती। सुन, तू इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। वो तो ठीक है, पर देख तू किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाना, थोड़ा ध्यान से। डोंट वरी, तू बस बता कब आ रही है। हाँ, मेरी शाम की फ्लाइट है, मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी मुंबई। ठीक है, मैं तुझे एयरपोर्ट पे लेने आऊंगी। चल ओके, बाय बाय। किसका फोन था? अंजलि का, वो 6 बजे आ रही है बॉम्बे। प्रशांत लगता है ये तो मर गया। अंजलि, अंजलि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे जाने से पहले तो सब ठीक था। ये सब क्या है सिमरन? अंजलि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है उन आदमियों को सब पता चल गया हो जो इनसे मारना चाहते थे, उन्हें पता लग गया हो कि ये यहीं छुपा हुआ है और उन्होंने इसे मार दिया। पर सिमरन, कौन थे वो लोग? प्रशांत, तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया था? हाँ, प्रशांत ने मुझे एक कार दिखाई थी और कहा था उसमें मौजूद लोग उस पर नजर रखे हुए। अंजलि, वो कार वहां नहीं थी, मैंने हाथ में देखा था। मैं तुझे पहले कहती थी एक दिन तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी, और देख 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 आज क्या हो गया। और हम लोग क्या करें? उसको फोन लगाएं? इडियट, ऐसी गलती कभी मत करना, पुलिस तेरी कहानी पे यकीन नहीं करेगी। और ना इसके खून के इल्जाम में हम दोनों ही फंस जाएंगे। हम क्या करें? देख, दुनिया की नजरों में तो पहले ही मर चुका था, सिवाय तेरे और उन लोगों के जिन्होंने उसको मारा है। ये कोई नहीं जानता कि प्रशांत जिंदा था। ऐसा करते हैं, हम चुपचाप इसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कैसे? वो तो सोचना पड़ेगा, पर ना ये काम हमें आज रात ही करना पड़ेगा। सिर्फ
लाश का चेहरा इतना जल चुका है कि पता लगाना मुश्किल है कि लाश किसकी। एक बात तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस आदमी का कत्ल कहीं और किया गया और फिर लाश फ्रिज में रखी होगी और फ्रिज को आग लगाकर यहां फेंक दिया गया। यानी उस कातिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सुराग है हमारे पास, ये फ्रिज। एग्जैक्टली। और ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि ये फ्रिज किसका है। तो कैसे करो? चेक करो फ्रिज के किसी हिस्से पर मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम, मॉडल नंबर या कोई मोनोग्राम बच गया हो। देखो सर, ऐसा कोई निशान इस फ्रिज पर नहीं है। अब तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है, कंप्रेसर को काट डालो। कंप्रेसर के अंदर एक नंबर होता है और उस नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कंप्रेसर किस कंपनी के किस मॉडल के फ्रिज में फिट किया गया था। फिर इस कंपनी से हमें यह पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर कंप्रेसर नंबर का फ्रिज किस डीलर के जरिए किस ग्राहक ने खरीदा था, क्योंकि यह नंबर मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कस्टमर तक हर डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता है। ग्रेट कर्नल, तो समझ लो कि फ्रिज के मालिक का पता चल ही गया। कुछ पता चला? आपका तरीका कामयाब रहा कर्नल भाई। कर्नल, वो फ्रिज कूल जोन कंपनी का था, अंधेरी जेपी रोड के मेहता इलेक्ट्रॉनिक से बेचा गया था और उस खरीदार का नाम है मिस सिमरन तनेजा। सिमरन तनेजा, लगता है नाम मैंने कहीं सुना है। ओह यस, दैट क्राइम रिपोर्टर। और पता भी उसी जगह का है, वो प्रशांत वैद की बिल्डिंग में रहती है। सिमरन तनेजा। देखिए, हमारा फ्रिज खराब हो गया था और मैंने उसे कबाड़ी को बेच दिया। आपने फ्रिज कबाड़ी को बेच दिया? कब? यही कोई दो तीन दिन पहले। और उस कबाड़ी ने किसी का कत्ल करके उसकी लाश फ्रिज में रखकर उस फ्रिज को आग लगा दिया और फिर उसे फेंक दिया, है ना? आप झूठ बोल रही है। आपने फ्रिज कबाड़ी को नहीं बेचा, बल्कि यह काम आपने किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है, फिर भी हमें अपनी तसल्ली और आपको अपनी नजरों में बेगुनाह साबित करने के लिए आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, नो प्रॉब्लम। बाल, ah
गाड़ी आपकी है? जी नहीं। अंजलि, am I right? हाँ, पर आप यहाँ कैसे? ये घड़ी आपकी है? Of course not, ये तो जेंस घड़ी है, मेरी कैसे हो सकती है? आपके घर में कोई जेंस नहीं है, फिर भी आपके घर के टॉयलेट के अंदर प्लस टैंक में ये मिली। ये वहां कैसे आई? जी हमें नहीं पता। ठीक है, हम पता कर लेंगे बहुत ही जल्दी। कम ऑन। ये लोग यहां तक कैसे पहुंचे? अंजलि, मुझे लगता है हम लोग फंस चुके हैं। वो घड़ी जरूर प्रशांत की है। वनल, घड़ी वाटरप्रूफ है इसीलिए अभी तक चल रही है। ये देखो, सिम कार्ड, घड़ी के अंदर सिम कार्ड। उसका मतलब ये हुआ कर्नल भाई, इस घड़ी को इसी सिम कार्ड की वजह से उस फ्लश टैंक में छुपाया गया होगा। इस सिम कार्ड से जरूर हमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है। डब्बा, इसे मोबाइल में डाल दो। मेमोरी में और फोन बुक में तो एक भी नंबर नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज मोड को चेक करो। राइट कर्नल। इसमें एक मैसेज है, मेहमान को मेजबान से खतरा। मेहमान को मेजबान से खतरा। आगे देखो, ज्यादा और कुछ हो? चार रास्ते, तीन माले, दो नाले, एक काले, उगता सूरज। स्ट्रेंज भाई, ये तो कोई पहेली लगती है। ये कोडवर्ड में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया गया, हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा। डब्बा, इसका नाम, भेजने वाले का नंबर या नाम है? आदित्य प्रसाद। आदित्य प्रसाद, ये तो उस फोटो जर्नलिस्ट का नाम है जिसका पिछले महीने संदिग्ध हालातों में खून हुआ था, और इसके साथियों का कहना यह है कि वो प्रशांत वैद्य का करीबी दोस्त था। जी हाँ कर्नल भाई, और उसी सिलसिले में तो हम उस रोज प्रशांत वैद्य के घर उससे मिलने गए थे। इसने सुसाइड किया था। यह तो साफ जाहिर है कि आदित्य प्रसाद का कत्ल प्रशांत वैद्य की आत्महत्या
फ्रिज में मेरी लाश। इन तीनों का आपस में कनेक्शन जरूर है। डब्बा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट मैसेज की पहली को सुलझाना होगा। सनराइज अपार्टमेंट, कर्नल। लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। मैसेज था, चार रास्ते, तीन माले, दो नाले, एक काले उगता सूरज। इसका मतलब हुआ फोर्थ रोड पे सनराइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट, जिसके पीछे दो नाले बह रहे हैं। अब बचते हैं काले और तीन माले। और इसका मतलब यह हो सकता है कि इस बिल्डिंग के तीसरे माले पर कोई काले नाम का आदमी रहता हो। यस, कम ऑन, लेट्स गो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इस बिल्डिंग में कोई मिस्टर काले रहते हैं? जी, तीन माला 301, यहाँ रजिस्टर पे एंट्री कर दीजिए। साहब, वो रहे काले साहब। मिस्टर काले, रुक जाओ।